नमस्कार, मैं गौरव परदेशी देशदूत डिजिटल में आपका स्वागत करता हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय आनंद दिन है। इस दिन के अवसर पर हम जानेंगे कि वास्तविक आनंद क्या है। इस विषय पर हम बातचीत करेंगे राजयोगिनी ब्रह्म कुमारी वासंती देवी जी से। तो हम उनसे सीधे बातचीत करते हैं। नमस्कार, देशदूत में आपका स्वागत है। आपका यहाँ ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में हार्दिक स्वागत है। बहुत खुशी की बात है। सचमुच ये आनंद दिन या तो वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जिसको कहा, सचमुच लोगों को थोड़ा सा जागृति लाने वाला है। आपने पूछा कि आनंद किसको कहा जाए। आनंद के लिए व आनंद की परिभाषा हम ये कह सकते हैं कि किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या या किसी प्रकार का दुख कि हमें महसूस ता न रहे। वैसे हम वर्णन करते हैं जहाँ तक, तो मनुष्य को सुखी होने के लिए, आनंद में रहने के लिए चार बातों की आवश्यकता होती है। हेल्दी तन, हेल्दी मन, धन की सुविधा और जन संपर्क। तन, मन, धन और जन, ये चार बातों का सुख, यही आनंद कहा जाएगा या आनंद का जीवन कहेंगे। तो हाँ, आज के समय के हिसाब से हम देखते हैं कि किसी को चारों बातों का सुख इकट्ठा रहे ये बहुत मुश्किल है व इम्पॉसिबल है, ऐसा कहना चाहिए। क्योंकि ये चारों बातों का सुख किसी के पास आज है नहीं। दूसरी बात कि मनुष्य इतने संकुचित अर्थ से आनंद को पाने के प्रयत्न में रहते हैं कि कोई स्थूल या भौतिक साधनों से उन्हें आनंद मिले। वास्तव में ही देखा जाए तो आनंद एक आंतरिक भावना है, कि वो भावना हमारे अंदर से आने वाली चीज है, न कि कोई भौतिक साधनों से। और नेचुरली जो भौतिक साधनों से कुछ ऊपर का व अल्पकाल का सुख भी हम अनुभव करते हैं, जैसे कोई चीज़ मुझे खाने को अच्छी लगती है, तात्पुरता हमें उसका सुख मिल जाता है। कोई बातों में हम चलो थोड़ा घूमने करने का आनंद ले लेते हैं, किसी को फिर कुछ पढ़ने से आनंद मिलता है, किसी को खाने पीने से आनंद मिलता है, परंतु ये सारी बातें जो हैं वो अल्पकाल की बातें हैं। क्या खाने से सुख मिलेगा? दो पाँच दस मिनट का ख़त्म हो जाएगा। मुझे घूमने से अगर सुख मिलता है, मैं कितना घूम घूम के घूमेंगी। या हाँ, मुझे पढ़ने से सुख मिलता है तो पढ़ाई भी मैं कुछ समय के लिए कर सकेगी, सदा के लिए हम वो नहीं कर सकते। सदा का सुख मुझे अविनाशी रूप में तब मिल सकता है कि जब मैं अपने आप को पहचान सकूँ। कहने का भाव कि हम जिस प्रकार से अपने को पहचानते हैं, वास्तव में ही वो मेरी पहचान नहीं है। मैं इस साकार स्वरूप के अंदर एक चेतना शक्ति हूँ, जिसको हम आत्मा कहते हैं, सोल कहते हैं या प्राण कहते हैं। और वो चेतना शक्ति के कुछ निजी गुण हैं, क्वालिटीज़ हैं,
के जिसके आधार पर हमारा जीवन चल रहा है। लेकिन जो कुछ मूल गुण ओरिजिनल क्वालिटीज जो है उसमें आनंद भी एक सुख है, आनंद भी एक चीज है, एक गुण है कि जिसके लिए आज मनुष्य तड़प रहा है। तो हाँ, वह ढूंढ रहा है अभी आनंद। वो मुझ आत्मा का एक क्वालिटी है, जैसे और भी क्वालिटीज है, हम कहेंगे शांति है, सुख है, आनंद है, प्रेम है, शक्ति है या ज्ञान स्वरूप है, वो मुझ आत्मा का ओरिजिनल स्वरूप है। और जिसकी पहचान होने के बाद ही मैं सही अर्थ का आंतरिक आनंद का अनुभव ले सकती हूँ। इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर हमारा उद्देश्य ही है आंतरिक जागृति लाना। बाह्य स्वरूप हमारा जो है वो विनाशी है, अल्पकाल का है, जबकि हे आंतरिक स्वरूप वो अविनाशी है। वो अविनाशी स्वरूप की पहचान हम यहाँ कराते हैं, जिसको हम दूसरे शब्द में आत्म अनुभूति कहेंगे। आत्म अनुभूति अर्थात आत्मिक जागृति, आध्यात्मिक जागृति, और आध्यात्मिक जागृति के अंदर आत्मा के जो वैल्यूज हैं वो वैल्यूज को जागृत करने के लिए हम यहाँ लेसन्स देते हैं। तो ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के लिए ये भी एक बहुत हम तो कहते हैं कि एक अच्छा सा सेवा के लिए हमें एक चांस मिल जाता है। जो आनंद का दिन या वर्ल्ड हैप्पीनेस डे जो मनाया जाता है, तो वो दिन अर्थात ही हमारी सेवाओं के लिए ये बहुत अच्छा एक मौका रहेगा व अपॉर्चुनिटी रहेगी हमें कि हम किसी को आत्म जागृति के बारे में समझा सके व आंतरिक सुख क्या होता है उसके बारे में हम उनको बता सके। तो आनंद के परिभाषा में हम ये कहेंगे कि आध्यात्मिक जागृति से आत्मा के जो निजी गुण है उसका अनुभव करना माना आनंद पाना। दीदी जी, आप देख सकते हो कि पिछले एक साल में सारी चीज़ों की व्याख्या बदल गई है। बहुत सारे लोगों की जाने गई, कईयों की नौकरी गई, कई कहाँ से कहाँ तक आ गए। तो इस पूरे कोरोना काल में हम मतलब अंदर की शक्ति को, अंदर की हैप्पीनेस को कैसे पहचाने? हाँ, यही तो, इसके लिए आध्यात्मिक जागृति अर्थात आत्म अनुभूति करने की आवश्यकता कि जिसके लिए हम लोग मेडिटेशन सिखाते। छोटा सा कोर्स होता है मेडिटेशन के लिए, 3 दिन का कोर्स होता है, परंतु डिटेल में अगर प्रैक्टिस में हमको लाना है तो 7 दिन का कोर्स रहता है। डेली 1 आवर लेसन रहता है। बहुत ही थोड़े टाइम में हम कुछ ऐसी अनुभूतियाँ कराते हैं कि जिससे मनुष्य को बिल्कुल एक नए अनुभव आते और किस प्रकार से हमारी लाइफ को हम पॉजिटिव मोड दे सकते हैं। आजकल हम देखते हैं कि हर बात में नेगेटिविटी बहुत मानसिक तौर पर आ गई है। हर बात में डाउट रहता है, हर बात में है एक अविश्वास होता है। लेकिन जब आत्म जागृति होती है तो फिर हम वो रियलिटी का अनुभव कर सकते हैं कि वास्तव में ही आत्मा के गुण किस प्रकार से हमारे जीवन में हम ला सकते हैं, जागृत कर सकते हैं। या ये अवेयरनेस हमको यहाँ मेडिटेशन के द्वारा मिलती है। तो उसके लिए थोड़ा सा टाइम देना होता है,
ऐसा नहीं है कि भाई हम आधे घंटे घंटे में आपको इन बातों को अच्छी तरह से अनुभव करा सकें, परंतु इतना ज़रूर है कि ये कोर्स करने के बाद हम विश्वासपूर्वक कह सकते हैं कि हैं आपके विचारों में फर्क जरूर आना चाहिए, अर्थात जो नेगेटिविटी है, जो दूषण है हमारे अंदर, उसको किस प्रकार से हम मोड़ सकते हैं, हमारी थिंकिंग को या हमारे विचारों की दिशा हम किस प्रकार से बदली करते हैं, ये यहाँ बताया जाता है, सिखाया जाता है। और ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय एक ऐसा अनोखा विद्यालय है कि जो एजुकेशन कहाँ भी स्कूल कॉलेजेस में नहीं मिलता है, वो इस विद्यालय में हमें मिलता है कि जिससे ओरिजिनलिटी जो अपनी है वो हम डेवलप कर सकते हैं, और हमारे विचारों में कैसे चेंज आता है, कैसे पॉजिटिविटी के तरफ हम जाते हैं और उसी से ही हमें आनंद की अनुभूति करते हैं। दीदी जी, आप देख सकते हो कि जिन लोगों को ये पता नहीं है कि आध्यात्मिक शक्ति क्या है जो हमारे बीच अंदर छुपी हुई है, जो सिर्फ भौतिक सुख के लिए भागते हैं, पैसा ही जिनके लिए सब कुछ होता है, जो ये मायने रखते हैं कि मैं जितना कमाऊँ उतना मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं ये खरीद लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, मैं वो खरीद लूँगा तो मैं सुखी हो जाऊँगा, इनको आप क्या मार्गदर्शन करोगे? यही एक, जैसे कहा जाता है कि आज अंधेरे में है हम इंसान, बराबर, अंधियारा अर्थात अज्ञानता, तो इस ज्ञान से हमें जो आंतरिक जागृति आती है, इससे ही हमें पता लगता है कि सही वास्तविक जीवन क्या होना चाहिए वह होता है, ये हमें पता लगता है। अल्पकाल के जो साधन, वैभव, सुविधाएं या जो आज के टेक्नोलॉजी का हो, इन सब बातों के बारे में हमारे अंदर इतनी अवेयरनेस जरूर रहे कि ये सब अल्पकाल का, अभी अभी है, अभी अभी नहीं। जैसे आजकल हम बहुतों को सुनते हैं कि ये इंटरनेट भी नहीं रहेगा तो मोबाइल भी नहीं रहेगा तो ये टीवी वगैरह जो ये कम्युनिकेशन के साधन हैं ये कुछ भी नहीं रहेगा तब क्या होगा। मैं कईयों के अंदर ये एक सवाल उत्पन्न हुआ है और बोला जाता है, परंतु वास्तव में ही ये एक आंतरिक शक्ति है जो ऐसे टाइम पर हमें रिलैक्स कर सकती है, इसी से ही सही रूप में रिलैक्सेशन हम अनुभव कर सकते हैं। दुनिया में बहुत कुछ होते हुए भी हम इससे, बुराइयों से, दूषणों से व दुखों से अलिप्त कैसे रह सकते, वो बातें हमें यहाँ सिखाई जाती हैं। तो मेरा सिर्फ आपके लिए नहीं, लेकिन किसी भी व्यक्तियों के लिए हमारी एक शुभकामना ये रहेगी कि उन्होंने आकर के थोड़ा सा कुछ अच्छी बातों को जान लेना चाहिए, समझ लेना चाहिए, उसमें से कुछ न कुछ, भले आप पूरी थाली का भोजन नहीं खा सकते हो, उसमें से जो कुछ अच्छा लगे आपको तो उतना ही आप स्वीकार कर लेंगे, तो भी आपके लिए वो एक सुख का साधन हो सकता है। बिल्कुल, ये ईश्वरीय विश्वविद्यालय के तरफ से मैं सभी भाई बहनों के लिए यही शुभेच्छा रखती हूँ कि उन्होंने इससे कांटेक्ट में आकर के किसी भी सेंटर से या किसी भी हमारे मेंबर्स से कांटेक्ट करके इसका लाभ लेना चाहिए, या अपने जीवन में जो सही अर्थ से सुख कहा जाता है उसका अनुभव करने के लिए कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि जीवन में सफलता की चाबी
वो हमारी दृढ़ता है, हमारे अंदर एक कॉन्फिडेंस है और वो आएगा हमें इस प्रकार की आत्म अनुभूति से। तो सभी के प्रति यही शुभेच्छा है कि जो हमें मिला है इस ईश्वरीय विद्यालय के अंदर वो हम सभी को बांटे, या जो भी आते हैं उनकी हम फ्री में सेवा देने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। तो आपने देखा कि दीदी जी ने काफ़ी सरल भाषा में आंतरिक आनंद का महत्व समझाया है, जो कि हमें अंदर झांकने से ही देखने को मिलता है। भौतिक सुख जो होता है उसका जीवन बहुत कम समय के लिए होता है, लेकिन जो आंतरिक अपना जो सुख चैन है वही हमेशा हमारे साथ रहने वाला है। आप इस वार्तालाप में दीदी जी शामिल हुई, उसका तहे दिल से धन्यवाद।